सुशासन विकास रोजगार डबल इंजन की सरकार, जहां पर बात करें विकास की, आज 6 साल योगी सरकार के पूरे हो चुके हैं और रामपुर विधानसभा से विधायक देवेंद्र निम जी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीजीटी न्यूज़ पर। धन्यवाद बीजीटी आप न्यूज़ का। क्या कुछ कहेंगे, आज 6 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार को, क्या क्या योजनाएँ मिली, क्या क्या उपलब्धि मिली, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। मैं पहले तो अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 37 साल बाद इस उत्तर प्रदेश में, जिसको लोग जंगल राज के रूप से जानते थे, उसमें हमारी जनता ने दोबारा हमें चुनकर भेजा और हमने 1 साल जो हमारा अभी पूरा आज पूर्ण हुआ, हमने पूरे जीरो टॉलरेंस के माध्यम से कानून व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त दुरुस्त करके आम जनमानस को ये आभास व्यक्त कराया कि ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन और माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजना लेकर आई है और उन योजनाओं को कैसे हम लोग गाँव तक ले जाएं, उसके लिए लगातार पिछले 5 साल काम हुआ और जो 1 साल आज हम पूरा कर रहे हैं उसमें भी लगातार हम लोगों ने यही प्रयास किया कि जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है, जिसके लिए सरकारें बनती हैं, उस तक लाभ पहुँचे। रामपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा पड़ती है जिसमें तमाम एक्सप्रेसवे हाईवे आपकी विधानसभा को जोड़ते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा अगर एक्सप्रेसवे अगर कहीं बन रहे हैं तो मेरी विधानसभा से निकल रहे हैं। अगर बस अड्डा भी हमारे यहाँ आ रहा है तो वो भी रामपुर मनियारन में आ रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सहारनपुर में जो सबसे बड़ा विकास, अगर हम सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, रोडवेज की बात करें, तो रामपुर मनियारन में हो रहा है। शिक्षा के स्तर को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार का कि हम सभी जनप्रतिनिधियों ने पिछली बार प्रयास किया था, संयुक्त प्रयास किया था कि हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत थी और आपके चैनल के माध्यम से आप लोग जानते भी हैं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष में ही हमें जो है एक माँ शाकुंभरी देवी के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम किया और हर विधानसभा में राजकीय विद्यालयों का निर्माण 1, 2, 3 जहाँ पर जितने आवश्यकता है उतनी आवश्यकता हमारे यहाँ पर विधानसभा में राजकीय विद्यालय भी खुल रहे हैं। सुशासन विकास रोजगार और उत्तर प्रदेश अगर सरकार की बात करें, आज पूरे 6 साल हो चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिलाध्यक्ष भाजपा से महेंद्र सिंह सैनी जी। महेंद्र सिंह सैनी जी, आपका स्वागत करता हूँ बीजी न्यूज़। आपका भी स्वागत। क्या कुछ कहेंगे, आज 6 साल पूरे हो चुके हैं आपकी सरकार के। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जैसा कि हमने अपने लोक कल्याण पत्र में, संकल्प पत्र में हमने वादा किया था कि हम जो भी करेंगे उसका हम प्रतिवर्ष हिसाब देंगे। इस उत्तर प्रदेश सरकार 2 के इस पहले वर्ष के पूर्ण होने पे आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है।